मैं हिमांशु कौशिक आपका SRB क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्या है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। हमें क्या करना है, रहमान की एज को रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। 3 इयर्स एगो मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद में, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। एज 1/3 तो 1/3 हो जाएगा। फाइंड प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालनी है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, कि हमने रहमान की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x मान ली x इयर्स, ठीक है, ओके x ईयर हमने रहमान की एज को मान लिया है, प्रेजेंट है। अब है बात 3 इयर्स एगो, तो आप क्या लिखोगे, 3 इयर्स एगो रहमान एज, तो 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले की बात होती है इयर्स में, पहले मतलब इयर्स में तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और बाद की तो 5 इयर्स भी बोला था इसने, 5 इयर्स आफ्टर मतलब फ्रॉम नाउ बाद में होता है, रहमान एज x प्लस 5, दोनों का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इन दोनों का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3 और दूसरा है 1/x + 5, दोनों का रेसिप्रोकल किसके बराबर, 1/3 के। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना है, x - 3 और x + 5। x + 5 को वन से करो तो x + 5, x - 3 को वन से करो तो x - 3 इजिकल टू 1/3। एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, 5 में 3 गया तो 2 बचा, अपॉन में x का x से किया तो क्या हो गया, x की 2 हो गया, x को 5 से करो तो 5x हो जाएगा, माइनस 3 को x से करो तो माइनस का 3x हो जाएगा, और देखो माइनस 3 को 5 से करो तो माइनस 15 हो जाएगा, इजिकल टू कितना, 1/3 है, ठीक है। क्या करोगे आगे, कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को करेंगे इन दोनों से, 3 टू जा 6x और 3 टू जा 6 इजिकल टू, यहाँ पे x की 2 को मतलब जितना फंक्शन उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, x की 2 5x में 3x की तो 2x, वो भी प्लस का माइनस का 50। क्या करोगे इन दोनों वेरिएबल को आप उधर लेके जाओ, कॉन्स्टेंट या जो भी x का उधर लेके जाओ, x की 2 प्लस में 2x माइनस 15, ये 6x उधर जाके माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, x की 2 प्लस का 2x माइनस का 6x, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में 2 गया तो बचता है 4, तो 4x किसका, माइनस का, माइनस 15 माइनस 6 तो माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको बाय फैक्टर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, फैक्टर आप ऐसे लेने हैं जिनका माइनस करें तब तो 4 आए, मतलब क्या हो गया 7x माइनस का 7x और प्लस का 3x, मल्टीप्लाई करें जब कितना आए 21 आए, तो 7 3 21, आगे x की 2 सेम है, यहां पे -2 21 सेम है, इक्वल टू 0, स्टार्टिंग की दो में से कॉमन, लास्ट के दो में से आगे आप x की वैल्यू निकाल लेना, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आप यहां पे पुट कर देना रहमान के परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन क्लास टेस्ट, एक क्लास का टेस्ट है, द सम ऑफ द शेफाली बारक्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, कि उसके मैथ और इंग्लिश में दोनों का सम कितना है, 30 है, मतलब मैथ के नंबर और इंग्लिश के नंबर जोड़ के उसके 30 नंबर आते हैं, सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, यदि वो 2 नंबर ज्यादा मैथ में ले आए एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 नंबर कम किस में लाए, लेस का मतलब क्या होता है, कम इंग्लिश में ले आए, ठीक है, द प्रोडक्ट इज 210, तो जो नंबर लेके आए उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना आएगा 210, फाइंड द मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स, तो सबसे पहले क्या करोगे इसका सॉल्यूशन में, लेट द मार्क्स, दो सब्जेक्ट का जिक्र है मैथ्स और इंग्लिश, तो मैथ्स मान लीजिए, लेट द मार्क्स इन मैथ, मैथ का हमने मान लिया x, ठीक है x मार्क मतलब x नंबर लेके आता है, अब बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश की, इंग्लिश में देखो दोनों के मिला के, दोनों सब्जेक्ट के मिला के तो कितना नंबर लेके आ रहा था, 30, तो जब x मैथ में लेके आ रहा है तो इंग्लिश में कितने लेके आएगा, 30 माइनस x, 30 में से x घटा दीजिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखना, मैथ में तो दो नंबर ज्यादा लेके आ रहा है, मोर मीन्स ज्यादा, तो मोर मीन्स प्लस होता है x प्लस 2, ठीक है, और इंग्लिश में है ना कितने नंबर, 3 नंबर कम है, तो इंग्लिश के नंबर कितने वैसे, 30 माइनस एक्स, तो दो उसमें कितने नंबर, 3 कम और कर दीजिए, और उन दोनों का क्या है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 210 है, यहाँ पे x प्लस में 2 है, यहाँ पे 30 में 3 गए तो 27 माइनस एक्स इजिकल टू 210 कीजिए मल्टीप्लाई, x को 27 से करो तो 27x
x को माइनस एक्स से करो तो माइनस एक्स की 2, 2 को 27 से करो तो 54, 2 को माइनस एक्स से करो तो माइनस 2x की जगह 210। यहां तक करने के बाद में इस कंप्लीट फंक्शन को आप क्या करोगे, दूसरी साइड में लेके जाओगे। लेकिन यहाँ पे 27x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, 27 में 2 गया तो 25 तो हो जाएगा, 25x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का x की 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब आपको 27 में 2 गया था तो कितना बचा, 25 उधर जाके माइनस का 25x हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 27 थी यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस का 54 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। लेकिन उधर है क्या, 210 प्लस है, 54 उधर जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। x की 2 माइनस में 25x, 210 में 54 माइनस करेंगे। देखो 210 में आप कितना माइनस करो, 54, 10 10 में 4 गया तो 6, यहाँ पे 0 बचा, क्या करें एक बार, 20 में 5 गया तो 15, कितना बचा 156, किसका, वो भी प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वालिटी की इक्वेशन आ गई, इसको हम बाय फैक्टर क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है।